हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर्स। अभी तक उन्होंने देखा था फिल्टर्स क्या होते हैं। सो फिल्टर्स द टाइप ऑफ सर्किट विच इज़ यूज टू डू फिल्ट्रेशन। जैसे कि हम लोग अपने घरों में पानी को फिल्टर करके पीते हैं, उसी प्रकार जब हम लोग किसी सर्किट को बनाते हैं तो उसमें किसी सर्किट में हाई फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है, किसी सर्किट में लो फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर फिल्टर लगा करके अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार फ्रिक्वेंसी को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ फिल्टर्स देखना है। There is a wide range of filters. The filters may be categorized with the following concept. मतलब बहुत सारे filters होते हैं जिसको कि हम categorize कर सकते हैं उनके components के आधार पर, उनके relationship के आधार पर, और components relationship के आधार पर, depending upon their frequency characteristics, frequency के आधार पर। तो पहले components के आधार पर देख लेते हैं। components कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक्टिव कंपोनेंट्स एंड पैसिव कंपोनेंट्स। अब एक्टिव कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि सिग्नल में चेंजेस कर सकते हैं, जैसे सिग्नल का जनरेशन कर सकते हैं, सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकते हैं। बट जो पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं, दे कांट डू दिस ऑल। ठीक है, तो एक्टिव कंपोनेंट और पैसिव कंपोनेंट के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव फिल्टर एंड पैसिव फिल्टर, और डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन आर्म इम्पीडेंस। ठीक है, आर्म इम्पीडेंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो कांस्टेंट के और प्रोटोटाइप फिल्टर। अब मान लीजिए एग्जाम में आता है कांस्टेंट के फिल्टर के बारे में बताओ, या फिर आप लोगों ने कांस्टेंट के बारे में पढ़ के गया है पर प्रोटोटाइप के बारे में जाना ही नहीं, व्हाट इज़ प्रोटोटाइप? तो कांस्टेंट के को ही प्रोटोटाइप फिल्टर कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है एम डिराइव फिल्टर। ये आर्म्स के अकॉर्डिंग है, आर्म इम्पीडेंस के अकॉर्डिंग। अब डिपेंडिंग अपॉन देयर फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर और बैंड स्टॉप फिल्टर होता है। सो हम लोग लो पास फिल्टर के बारे में बात करने वाले हैं। दिस ट्रांसमिट सिग्नल ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम जीरो अप टू सम डिजाइनेटेड फ्रीक्वेंसी कॉल कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अवर लार्ज अटेन्यूएशन फॉर ऑल अदर्स हायर फ्रीक्वेंसी। ये क्या करता है? लो पास फिल्टर होता है। ये कट ऑफ एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से पहले के जो सिग्नल रहेंगे उनको पास करने, जैसे फिगर में आप देख सकते हैं पहले के जो सिग्नल रहेंगे उनको पास करने दे रहा है, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से जो अपर सिग्नल रहेंगे उनको स्टॉप कर देगा। ठीक है, लो पास फिल्टर पासेज विदाउट अटेन्यूएशन ऑल फ्रीक्वेंसीज अप टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। दिस बैंड इज टर्म्ड एज पास बैंड और ट्रांसमिशन बैंड। ठीक है, और हाई पास फिल्टर में क्या होता है? अपर जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से अपर की सिग्नल रहेंगी मतलब उसको पास करने देगा और उससे नीचे के सिग्नल को स्टॉप कर देगा, जैसे उसका उल्टा है, वो लो वाले सिग्नल को पास करने दे रहा था और इसमें हाई वाले सिग्नल को पास करने दिया जाएगा। और बैंड पास फिल्टर, इट ट्रांसमिट फ्रीक्वेंसी बिटवीन F1 और F2 के बीच की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी उसको पास करने देगा, बाकी साइड वाली को स्टॉप करने देगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा? F1 और F2 के जो बीच का फ्रीक्वेंसी रहेगा उसको स्टॉप करेगा, बाकी अदर्स को पास करने देगा। आइडियल फिल्टर शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एक कुछ आइडियली होता है, कुछ प्रैक्टिकली होता है, सब हर एक कंपोनेंट्स हर एक डिवाइस का। तो देख लेते हैं इनका आइडिया फिल्टर्स का। जैसे कोई फिल्टर है तो उसे आइडियली कैसा होना चाहिए? ट्रांसमिट पास बैंड फ्रीक्वेंसीज विदाउट एनी अटेन्यूएशन। जैसे अगर वो पास बैंड फिल्टर है या स्टॉप बैंड फिल्टर है तो उसको पास ही करने देना चाहिए, टोटली पास करे विदाउट एनी अटेन्यूएशन, कोई अटेन्यूएशन ना हो, कोई भी बाधाएं ना हो। ठीक है, प्रोवाइड्स इनफिनाइट अटेन्यूएशन एंड हेंस कम्प्लीटली सप्रेसेस ऑल फ्रीक्वेंसीज इन अटेन्यूएशन बैंड। द ट्रांजिशन रीजन बिटवीन द स्टॉप बैंड एंड पास बैंड वुड बी वेरी स्मॉल। जो ट्रांजिशन रीजन होता है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए। देयर शुड बी अ शार्प ट्रांजिशन फ्रॉम द अटेन्यूएशन बैंड टू पास बैंड एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, प्रोटोटाइप फिल्टर और एम डिराइव फिल्टर। प्रोटोटाइप फिल्टर और कॉन्स्टेंट के फिल्टर इज अ टी और पाई नेटवर्क इन विच द सीरीज ऑफ शंट इम्पिडेंस Z1 एंड Z2 रिस्पेक्टिवली आर द रिलेटेबल बाई द फॉलोइंग रिलेशनशिप। प्रोटोटाइप फिल्टर में क्या होता है? Z1 × Z2 इज इक्वल टू K² = R0 का स्क्वायर होता है। आपको ये रिलेशन याद रखना है, या फिर Z√Z1 × Z2 = K। इस ये पाई और टी टाइप के
नेटवर्क से बना होता है और सीरीज और संट में जेड वन एंड जेड टू रेस्पेक्टिवली ऐड होते हैं, ठीक है, लगे होते हैं। और आर नॉट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स रेजिस्टेंस, और जो इसे डायनेमिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, डिज़ाइन रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। द कंडीशन दैट जेड वन जेड टू शुड इम्यून द वेरिएशन इन द फ्रिक्वेंसी मस्ट बी सेटिस्फाइड, ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए। अगर ये फॉलो हो रहा है तो समझ जाना कि प्रोटोटाइप फिल्टर है। अब एम डिराइव फिल्टर के बारे में पढ़ना है। प्रोटोटाइप फिल्टर भी दो प्रकार के होते हैं, कांस्टेंट के लो पास फिल्टर, कांस्टेंट के हाई पास फिल्टर। तो इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हो जाएगी एफ सी इज़ इक्वल टू पाई इन अंडर रूट एल सी हो जाता है लो के लिए। अब हाई के लिए जेड ओ टी कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस देखते थे, जेड ओ टी इज इक्वल टू आर नॉट इन अंडर रूट वन माइनस एफ वन एफ सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हाई पास के लिए देखते हैं तो एफ सी इज इक्वल टू कट फ्रिक्वेंसी हो जाएगी वन अपॉइंट फोर पाई इन अंडर रूट एल सी, इसका क्या है वन अपॉइंट पाई है और इसका क्या है वन अपॉइंट फोर पाई हो जाएगा। जेड ओ टी इज इक्वल टू आर नॉट, अगर मान लीजिए आपके आपको आता है प्रोटोटाइप फिल्टर के बारे में समझाए तो प्रोटोटाइप फिल्टर क्या होता है वो बता देंगे, रिलेशन बता देंगे, फिर उसके बाद बता देंगे कि लो पास फिल्टर हाई पास फिल्टर, फिर डायग्राम है डायग्राम बना देंगे। अगर फार्मूला नहीं भी याद है तो बस ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसी वाला फार्मूला याद रखना। थैंक्स वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में आगे का होगा लेक्चर।